हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स। आपको सर ने जो चैप्टर शुरू कराया था, नेक्स्ट वीक सर आपको कंटिन्यू करेंगे। हम आज एक चैप्टर को हम शुरू करेंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हम पहले रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम उसपे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। रियल नंबर आपने प्रीवियस ईयर यानी कि नेक्स्ट क्लास में, क्लास 9th में इसका इंट्रोडक्शन देखा होगा। तो रियल नंबर जानने से पहले हम इसका कुछ बेसिक देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और तभी हम इससे बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ठीक है। रेशनल नंबर, जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में आपके आ जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है, और नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स में आप रेशनल नंबर में, रियल नंबर में आप इंटीजर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है नेगेटिव इंटीजर, जिसको आप जेड से डिनोट करते हो। उसके बाद जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इनको हम नेचुरल नंबर एन से इसको डिनोट करते हैं। ये आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया है, ये थोड़ा सा हमारा आपको इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जब आप जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड करते हो तो इसको हम कहेंगे होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर में क्या क्या आते हैं? ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब आप जानते हो, और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा इन नंबर्स में आपको कंफ्यूजन है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, और नंबर, ये तो छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो लेमा में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये लेमा वर्ड क्या आ गया है, ठीक है। आप थ्योरम्स पढ़ते थे तो यहाँ पे थ्योरम्स को लेमा वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए, जब हम डिवीजन करते थे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब आप डिवीजन करते थे इस तरह से, दो को डिवाइड करेंगे हम 15 से, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 7 14 और माइनस करेंगे और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये 2 है, ये डिवाइजर है, ओके, ये 7 क्वेशेंट है, यानी कि भागफल इसको हिंदी में कहते हैं, इसको डिविडेंड बोला जाता है, और ये है आपका रिमाइंडर, ओके। तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या लेमा क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो ये यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर थ्योरम, ओके। तो देखिए, यहां पर आपका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड आपका है 15, ठीक है। तो 15 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 2 इंटू, और क्वेश्चन कितना है आपका 7 प्लस रिमाइंडर आपका है 1, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो यूज है, यहाँ पर हम क्यों करते हैं, यहाँ पर हम एफसीएफ निकालने के लिए क्लास 10th जो आपके सिलेबस में है उसका यूज करेंगे, किसके लिए, एफसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, फाइंड एफसीएफ ऑफ, एफसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एफसीएफ ऑफ 124 एंड 24,
ठीक है। तो जब आप प्राइम फैक्टर मेथड आप करते हो, प्रीवियस ईयर क्लास में आपने किया है प्राइम फैक्टर मेथड से, तो वहां हम कैसे करते थे, देखिए 124। तो इसके जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, 2 6 12 और 2 2 4, अगेन 2 से करेंगे 2 3 2, ठीक है। तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो किसी भी नंबर से नहीं होगा, अब यहाँ पे ये 31 और ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर हम निकालेंगे 24, तो अब हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 124, और 24 का हम क्या निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से हम निकाल रहे हैं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा है, ठीक है। पहले हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे, इसके बाद जो आपके सिलेबस में है यूक्लिड डिवीजन मेथड, उस मेथड से हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 31, और इसके आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो एफसीएफ है वो आ जाएगा 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। ये तो हमने निकाला है प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। अब हम यूज करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, इसी 124 और 24 को हम, अब आप लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स थ्योरम या फिर डिवीजन लेमा फाइंड द एफसीएफ ऑफ वन ट्वेंटी फोर एंड 24। तो देखिए पहले हमने किससे निकाला था, पहले हमने निकाला था प्राइम फैक्टर मेथड से, अब हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड एफसीएफ निकालने के लिए कैसे यूज होता है, अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 124 इज ग्रेटर देन 24, ओके, 124 24 से बड़ा है, तो हम इस पर लगाएंगे कौन सा, यूक्लिड डिवीजन मेथड या फिर लेमा या थ्योरम आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम इसको बनाएंगे, 24 को आप डिवाइड करोगे 124 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम होगा ये, तो 5 4 20 5 2 10 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 4, ठीक है। अब देखिए हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या था, हमने क्या किया था, डिविडेंड हम लिख रहे थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेशेंट कर रहे थे, और प्लस में हम रिमाइंडर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, 124, और डिवाइजर है आपका 24, क्वेश्चेंट आपका आ गया 5, और रिमाइंडर आपका बचा हुआ है 4, ओके, समझ में आया सबको। हमने क्या किया है, हमें निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, एफसीएफ निकालना है 124 का और 24 का, ओके। तो हमने क्या काम किया, हमने सबसे पहले देखा 124 और 24 में 124 ग्रेटर है 24 से, तो हमने 124 को डिविडेंड बना दिया, ओके। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, 24 हमारा डिवाइजर बन गया। इसी तरह से हम इसको इसका क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन करने के बाद हमने क्या काम किया, हमने इस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम्स का जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज को रख दी, ठीक है। अब क्या काम,
वैल्यू जब रखा तो हम देख रहे हैं। और देखिए यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम जो है लेमा हमें तब तक लगाना है जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या काम करना है, जो आपका रिमाइंडर है और जो आपका डिवाइजर है, रिमाइंडर बन जाएगा आपका किस तरह से, नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे 4 को आप डिवाइड करोगे 24 से। बाद में आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने क्या काम करना है, अब आपका जो 24 है ये आपने बना दिया है डिविडेंड और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया है। ओके, हम इसको करेंगे दोबारा से डिवाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 6 24। ओके, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने जो दूसरा स्टेप यूज किया ये आपका फर्स्ट स्टेप था। ओके, सेकेंड स्टेप में आपने क्या काम किया है, आपका डिविडेंड क्या है 24 = डिवाइजर अब आपका है कितना 4 × 6 क्वेशेंट हम करेंगे प्लस में रिमाइंडर आपका कितना बचा 0। ठीक है, अब आप देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया है 0। यहाँ पे जब हम इस थ्योरम्स को करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो रिमाइंडर आपका है r, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए किससे, डिवाइजर से, लेस देन डिवाइजर। यानी कि जब भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 0 या होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और डिवाइजर यानी कि यहाँ पे देखिए 24 है तो ये डिवाइजर से छोटा है इसका रिमाइंडर, तो हमेशा जब भी आपका अगर कहीं आपका डिवाइजर से बड़ा आपका रिमाइंडर आ गया इट मीन्स आपने वहां पे डिविजन गलत कर दिया है, वहीं पे आप अपनी गलती पकड़ सकते हो। ओके, तो देखिए हमने क्या काम किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया, इसको देखा कि 124 > 24, इसको डिवाइड किया, फिर इस पर यूक्लिड डिविजन लेमा हमने लगाया। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, हम देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर हम ये प्रोसेस दोबारा लगाएंगे, अगर यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 ना आता तो फिर आप क्या करते, इस स्टेप को इसको और एक स्टेप बढ़ाते। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया है आपने ये स्टेप करना बंद कर देना है, ये प्रोसेस आपने बंद करना। हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे FCF। अब देखिए FCF आएगा कहाँ से, देखिए लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा, लास्ट स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका FCF होगा। ओके, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही आपका FCF होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, FCF ऑफ 124 and 24 = 4। पीछे जब हमने प्राइम फैक्टर मेथड से निकाला था तो वहां पर भी हमारा 4 आंसर आया था, लेकिन हमें अब यहाँ 10th क्लास में हमें ये मेथड यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप इसको खुद से करिए, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन मेथड या एल्गोरिथम, ठीक है, टू फाइंड द एफसीएफ ऑफ 135 and 225। आपको क्या यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब एल्गोरिथम आपको समझ में नहीं आया होगा मे बी कि एल्गोरिथम, क्योंकि हम तो पढ़ रहे थे लेमा। ठीक है, तो लेमा के बाद आप पूछ रहे होंगे, आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड या लेमा को हम क्या कर रहे हैं, बार बार इसको यूज कर रहे हैं। देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में ये यूज किया, सेकेंड स्टेप में भी हमने ये यूज किया, अगर यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 ना होता तो फिर आप इस स्टेप को बढ़ाते। ठीक है, तो जब किसी भी थ्योरम्स को आप क्या कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो स्टेप में, तो उसको आप क्या कहेंगे, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, तो
तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट स्टेप में यूज कर रहे हैं इसको, सेकंड स्टेप में भी हमने इसको यूज किया है एचसीएफ निकालने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। ओके, तो इससे आप कंफ्यूज ना होए कि एल्गोरिथम क्या है। तो देखिए फर्स्ट इसको आप कीजिए 135 एंड 225। तो 135 और 225 को हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है एल्गोरिथम लगा के, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको अगर समझ में आ गया तो आप खुद से कीजिए इस क्वेश्चन को, आप खुद से कीजिए 135 एंड 225 को आप इसका एचसीएफ निकालिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग आपको करना है, उसका यूज करना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, अगर किसी का आ गया है तो माइक लेके आंसर कीजिए। 45। चलिए बेटा, नाम बताइए अपना। सागर पटवाल। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। चलिए और बच्चों का भी आया क्या आंसर? फर्स्ट स्टेप में आपने ये लिखना है, आप क्या काम करेंगे, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या थ्योरम को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 135 आपका डिवाइजर बन जाएगा क्योंकि ये छोटा है, और 225 आपका डिविडेंड बनेगा। ठीक है, तो इसको वन टाइम चलाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 135 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जीरो, 12 में से 3 आपका आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ 1 बचेगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप में आपका रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं आया है, तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डिविडेंड, इस डिविडेंड को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज कीजिए ये कोई इंटीजर ए है, डिविडेंड को हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, डिवाइजर आपका है, सारे स्टेप में फिर हम यही यूज करेंगे, डिवाइजर आपका बी। ओके, रिमाइंडर को आप कैपिटल आर से और क्वेश्चन को आप करेंगे क्यू से डिनोट। ठीक है, स्मॉल क्यू से इसको डिनोट करेंगे, तो यहां से हम जब यूज करेंगे इस थ्योरम्स का तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए यानी कि डिविडेंड कितना है, 225 इज इक्वल टू बी कितना है, 135। बी हमने माना है डिवाइजर, 135 क्वेश्चन आपका आया है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस में आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टेप 1 यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया है, तो आपको ये स्टेप दोबारा से यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये आपका बन जाएगा रिमाइंडर, बनेगा आपका रिमाइंडर को आप बनाओगे डिवाइजर। ठीक है, और डिवाइजर बन जाएगा आपका डिविडेंड 135। ठीक है, तो इसको हम चलाएंगे वन टाइम तो ये आ जाएगा 90 माइनस होके फिर बचेगा 45। ओके, तो यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे स्टेप टू, स्टेप टू में अगेन हम क्या यूज करेंगे, ए आपका क्या है, डिविडेंड है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिए इसको, लॉन्ग क्वेश्चन में जब आता है तो हर स्टेप्स के आपको एक दो क्वेश्चन करने के बाद
आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही डिवीजन में आप सारे स्टेप्स को आप एक ही में कर लोगे, ठीक है। फिर आपको 2-4 स्टेप लिखने पड़ेंगे और फिर आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए है आपका 135 इक्वल टू बी है आपका 90 इंटू 1 प्लस में 45। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जी, तो अभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। फिर आप क्या काम करेंगे, अब आप इसको बनाओगे डिविडेंड और ये बन जाएगा आपका डिवाइजर। 45 को आप डिवाइड करोगे 90 से, तो ये 2 टाइम चलेगा, 90 होते हैं 45 टू जे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप थर्ड जो आप यूज करोगे, अगेन आप ये लगाओगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। तो a कितना है, a आपके पास अब है 90 इज इक्वल टू बी आपके पास है 45 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस में 0। अब देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है। अब हम इन स्टेप्स को करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जब 0 आता है तो जो आपका डिवाइजर होगा, ठीक है, वही आपका FCF होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो FCF ऑफ 124, CF ऑफ 135 एंड 225 आ जाएगा 45। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग कीजिए इसको, सेकंड क्वेश्चन जिनका ये हो गया है, सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, एफसीएफ निकालिए। चलिए आंसर किसका आ गया है, माइक लेके आप आंसर कर सकते हैं। चलिए किसी का आंसर आया क्या सेकंड का, चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसको आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे ए पार्ट आपको कराया है ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे। थर्ड पार्ट एक मैं आपको बता देती हूँ, आपको एफसीएफ निकालना है किसका। चलिए माइक खोलिए, कोई कुछ बोलना चाहता है बेटा, नाम बताइए। 195 है या 96 है? 96, ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। नाम बताइए अपना जरा। मैम नाम क्या है आपका? सागर पटवाल। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है, और बच्चों ने भी जो नहीं किया है वो घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 196 इसका आंसर है। तो आप एफसीएफ निकाल के जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है इसी तरह से आपको स्टेप में करना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर तक आप नहीं भी गए तो आपको स्टेप के भी हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 867 एंड 255 इसका आपको एफसीएफ निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाने की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें 2 55 + (Q)/(Q), ठीक है। इसका यूज हम करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 867 इज ग्रेटर देन 245, तो डिवाइजर छोटा होगा, यानी कि हमें 255 को डिवाइड करना है किससे, 867, ठीक है। देखिए ये कितने टाइम चलेगा, 2, 3, 6, तो 3 टाइम इसको चलाएंगे हम, 3 ये आ जाएगा 3, 5, 15 और 7, ठीक है। ये आएगा 7, 2, 6, 0, 1। तो यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पे हम इस थ्योरम में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए डिविडेंड कितना है, स्टेप वन क्या होगा आपका, स्टेप वन में आप क्या करेंगे, 867 इज इक्वल टू डिवाइजर आपका है 255, क्वेश्चन आपका निकला है 3 प्लस में रिमाइंडर है 102, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम इस प्रोसेस को यहीं पे यूज करेंगे, ठीक है। किस तरह से यूज करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम 225 को तरह से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको अलग भी कर सकते हो। तो देखिए 102 तो 2 टाइम चलेगा, ये टाइम हो जाएगा 204, माइनस होके ये आ जाएगा 51 और ये आ जाएगा 255 ही है, तो आप करेक्ट कर लेंगे 255, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए रिमाइंडर अभी भी आपका 0 नहीं आया है। फिर से हम लगाएंगे स्टेप टू में, सेकंड स्टेप में भी आप लगाएंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है डिविडेंड क्या है, 255, डिवाइजर आपका है 102, क्वेश्चेंट आपका आ गया है 2, रिमाइंडर आपका बचा है 51, ओके। तो इस स्टेप को आप दोबारा से करेंगे यहीं पे, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रही हूँ, वैसे आप इधर भी कर सकते हो इसको, ठीक है। जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है आपको ये डिविजन करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर अब आपका 51 आपका बन जाएगा डिवाइजर और 102 आपका बनेगा डिविडेंड, ओके। तो देखिए 2 टाइम चलाएंगे, 2 ये आ जाएगा 102, माइनस करेंगे 0। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या आ गया है, आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगेन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि R does not equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो थर्ड स्टेप आपका आएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 51 तो ये आ जाएगा 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में। अब देखिए लास्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर कितना आ गया है, 0। अब हम ये प्रोसेस बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा, तो आप लिख सकते हो एचसीएफ ऑफ किसका 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51, तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर आपने शुरू किया है, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम को पढ़ा है क्या होता है, ठीक है, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे, आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।